दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 351 नंबर का लेक्चर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 351 लेक्चर केवल ज्योग्राफी का नहीं है दोस्तों। इसी सीरीज में शुरुआत में 150 लेक्चर में आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाएगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास ये डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने पूरे 150 लेक्चर में। फिर उसके बाद 80 लेक्चर में हम लोगों ने संविधान की क्लास लिया। फिर उसके बाद दोस्तों आगे 100 लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास लिया, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लिया। इस तरह से हम पहुंच गए थे अपने 330 लेक्चर पे। ठीक है, तो 330 लेक्चर में ये 5 विषय आपके समाप्त होंगे। 3 तो हिस्ट्री वाला, 1 संविधान का और 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये 5 विषय पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारा 6वें विषय का नंबर है और आज हमारी 21वीं क्लास है। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारी किस नंबर की क्लास है? 21 नंबर की क्लास है, क्योंकि क्लास का सीरियल नंबर जो है दोस्तों 351 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सवालों की बात करें तो अब तक हम लोगों ने अपनी इस क्लास में पूरे 10,530 सवाल दोस्तों, आज की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आपके तैयार हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं बताइए? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जुड़िए इस सीरीज से, नहीं कल को 11,000 फिर 15,000 होने में देरी नहीं लगने वाला। ठीक है, और आज तो एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज हमारा जो पहला लेक्चर है ये हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, जैसे झेलम नदी हो गया, जैसे रावी हो गया, जैसे व्यास हो गया, जैसे सतलज हो गया, चिनाब हो गया, स्वयं सिंधु भी है। ठीक है, तो शुरुआत सिंधु से किया जाएगा, बाकी नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस चैप्टर से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन तैयारी जब आपकी बेहतर होगी तभी आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स देखिए ज्वाइन करने का फायदा है ना कि एक बार आपका फाउंडेशन यानी आधार मजबूत हो गया ना, तो दोस्तों आगे आप कोई भी भविष्य में एग्जाम देंगे कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे अपने सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आराम से हम लोग इन सवाल जवाब को देखेंगे कि अलग अलग सवालों के जवाब कैसे हमें देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण जो क्षेत्र होते हैं वो जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अच्छा, जल ग्रहण माने क्या होता है? अरे भाई, आपके घर में भी अगर टोटी लगी है, नल से पानी आता है, तो पानी कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। एक टंकी होगी, बताइए, एक टंकी होगी ना, उस टंकी में दोस्तों आपने पहले से पानी भर रखा होगा। उस टंकी के सहायता से दोस्तों पानी क्या आ रहा होगा दोस्तों? आपके इस नल में आ रहा होगा, तब तो दोस्तों आप उस पानी का यूज करते हैं। सही कर रहा हूं कि गलत? उसी तरह से चाहे छोटी नदियां हो चाहे बड़ी नदियां हो, इन नदियों का भी अपना क्या होता है? टंकी होती है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या दोस्तों? ये एक तरह से हम इन टंकियों की बात कर रहे हैं जिस टंकी से इस नदी का पानी निकलता है। अब बात आती है, सर वो टंकी में पानी आता कहां से है? तो टंकी का जो सोर्स है दोस्तों, इसका जो स्रोत है वह क्या है दोस्तों? वह है हिमनद। क्या है दोस्तों? हिमनद। यानी जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है ना, वो धीरे धीरे रिस करके दोस्तों क्या करते हैं? इस टंकी में पानी जमा करते हैं। हमारे आपके यहाँ तो मोटर लगा होगा, टिल्लू ना। ठीक है, आप बटन दबाते हैं, मोटर चलता है, पानी भर जाता है। अगर आपके यहाँ दोस्तों नलकूप होगा, ठीक है, मशीन नल वाली होगी, तब दोस्तों उसको चलाने से जो है पानी निकलता है, तो धरती के अंदर से पानी आता है और प्रेशर की वजह से आता है। ठीक है, फिलहाल ये जो जलग्रहण क्षेत्र है, ये जो टंकी है, उस टंकी को क्या कहा जाए? हम टंकी नहीं बोल सकते, तो आम बोलचाल की भाषा में हम टंकी कह रहे हैं। इसे ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है नदी द्रोड़ी। क्या कहा जाता है? नदी द्रोड़ी कहा जाता है। घबराना नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें क्या सीखना है? हमें सिर्फ टर्म सीखना है। मामला सबको पता है, ठीक है, कि पानी हिमनद से आता है, टंकी जैसा होगा, लेकिन इसे नाम क्या देते हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में क्या कहते हैं, यही आपको सीखना है। तो इसे कहते हैं नदी द्रोड़ी। बताइए कुछ कठिन है? मेरी क्लास में कुछ कठिन नहीं होता, आप खाली आ जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। करा छोटी नदियों व नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? करा जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो छोटी छोटी नहरें हैं, नाले हैं, उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जहां पे बहते हैं भाई। अपवाहित क्षेत्र का मतलब क्या है? जहां ये नदियां बहती हैं, ठीक है, जहां ये नदियां बहती हैं उसी का कहा जाता है अपवाहित क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जल संभर। क्या कहते हैं दोस्तों? उन अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जल जल। सर सांभर बोल दे क्या? नहीं, सांभर मत बोलना, ठीक है। यहाँ इडली सांभर की बात नहीं हो रही, ढोसे की बात नहीं हो रही है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। इसे जल संभर कहते हैं, ठीक है। हंसी मजाक चलता रहता है, सीखना है, थोड़ा सा नए नए टर्म मिल रहा है, इसलिए परेशान न होइए, केवल साथ में बने रहिए तो मैं आपको सिखा दूंगा। अगला सवाल देखिए, कर उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर जो भारतीय नदियां हैं इनको कितने अपवाह तंत्रों में बांटा जा सकता है? ये पूरी की पूरी जितनी भी भारतीय नदी हैं इनको चाहे उत्पत्ति को आधार माना जाए या जो भारत का भौगोलिक आधार है उस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं, कितने वर्ग में बढ़ते हैं? दो वर्ग में बढ़ते हैं। एक नदी है दोस्तों, एक तंत्र माना जाता है हिमालयी नदी तंत्र, ठीक है। किसे कहा जाता है? एक है दोस्तों हिमालयी नदी तंत्र, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो भारत का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो तीनों, एक तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी पूरब साइड में, पश्चिम साइड में देखेंगे तो अरब सागर मिल जाएगा, दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर मिल जाएगा। तो तीन तरफ से पानी से घिरा है ना, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, तो ये दोनों नदी तंत्र आप याद रखेंगे। कहिए कोई समस्या आपको नहीं ना? चलिए, समस्या नहीं है तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए ऐसे कोई ढाल है हाँ? और पानी आप यहां से गिराएंगे तो सिंपल पानी यहीं आएगा, नीचे ही आएगा ना, और ढाल ऐसे है तो पानी यहां से यहां आएगा। भाई आप क्या, अच्छा आप यही कहना चाह रहे हैं सर जिधर ढाल होगा उधर पानी अनुसरण करेगा, उधर पानी बहकर जाएगा, पानी की नदियों की जो धारा होगी वो ढाल की तरफ भागेगी। और जो भारत का ढाल है वो मैं आपको एक लाइन बता दूं, भारत का ढाल दोस्तों पूरब की तरफ है, इसीलिए अधिकांश नदियां, सभी नहीं, अधिकांश नदियां जो भारत की हैं वो कहाँ जाती हैं? पूरब की तरफ जाती हैं, वो जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बात समझ में आया? अब देखिए, कह रहा वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं उन नदियों को क्या कहा जाता है, किस नाम से इन्हें बुलाते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं अनुवर्ती नदियां। अनु, देखिए एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। तो अनु मतलब होता है चलना, बहना, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इन नदियों को कहते हैं दोस्तों अनुवर्ती, अनुवर्ती नदियां। क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदियां, जो क्या करती हैं? जो ढाल को फॉलो करती हैं, इसमें कुछ और नहीं है। एक लाइन की बात याद रखेगा, अनुवर्ती नदियां मतलब क्या? जो ढाल को फॉलो करती हैं, ठीक है, जो ढाल को फॉलो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अनुवर्ती नदियां कहलाती। कुछ कठिन मैंने बताया क्या? बहुत आसान है, सिंपल सी बात भैया, जहां ढाल होगा ठीक है पानी उधर को जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां क्या कहलाती। मान लीजिए कोई नदी ऐसे अपने ढाल की तरफ बहते हुए जा रही है, ठीक है, ऐसे बहते हुए जा रही है, इधर बहते हुए जा रही है, ठीक है, और कोई दूसरी नदी आकर उसी से समकोण पर काट दी, ठीक है, ऐसे, यही तो समकोण है, यहां आके मिल गई, या इस साइड से दोस्तों कहीं आकर मिल गई, ऐसे, ठीक है। तो कह रहे मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर जो मिलने वाली नदियां हैं वो क्या कहलाती हैं? तब ये अनुवर्ती की जगह परवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवर्ती नदियां, ठीक है। जो मिलती हैं वो क्या कहलाती है? परवर्ती नदियां। और जो पहले से बह रही ढाल की तरफ वो अनुवर्ती नदियां। मैं कुछ कठिन बताया, धीरे धीरे अपने दिमाग में डालिए, अभी ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत आराम से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जब आसान हो जाएगा तब मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा वे नदियाँ जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी भी नदियां हैं क्या भाई जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं? मतलब ढाल इधर है और बहने का क्रम अलग है उनका, ठीक है। कह रहा वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्पेशल नदियां सर ये, तो इन्हें कहा जाता है पूर्वारोपित नदियां। क्या कहा जाता है? ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, इन्हें कहा जाता है पूर्वारोपित नदियां। क्या कहा जाता है? पूर्वारोपित नदियां कहा जाता है। कहिए कोई समस्या आपको? जो एक लाइन के बारे में, इनके बारे में याद रखेगा, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती वो क्या है? वो पूर्वारोपित नदियां हैं। सर ऐसी नदी भी है क्या? हाँ बताता हूँ, अभी एक एक सवाल का जवाब। अरे भाई मैं चैप्टर पढ़ाने आया हूँ, बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अपनी क्लास में कुछ छोड़ते नहीं हैं, आपके मन की व्यथा को हम एकदम जड़ से मिटा देंगे, बस ये मान के चलिए। आप समय दीजिए मुझे खाली, ठीक है। अगला सवाल, करा स्वर्ण रेखा नदी, ये उड़ीसा वाली, हाँ वही स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी गंगा में आके मिलती है कहां पर? पटना के पास में चंबल। सर इसी को तो चरमौती कहते हैं ना, इसका पानी कोई नहीं पीता। चंबल कि वाले बीहड़ों के बारे में सुना, बीहड़ सो के बात, हाँ वही बनास नदी। करा है कि ये जो स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास, ये जो नदियां हैं ये किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। अभी आपने अनुवर्ती नदी पढ़ा, अभी आपने परवर्ती नदी पढ़ा। अनुवर्ती मतलब जो ढाल का अनुसरण करती है, परवर्ती मतलब जो समकोण पर काटती है, और पूर्वारोपित मतलब जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो ये जो तीन चार नदियां हैं ये किसका उदाहरण दोस्तों, ये पूर्वारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, ये जो है यह पूर्वारोपित नदियों का उदाहरण है दोस्तों। अब पूर्वारोपित नदियों मैंने क्या आपको बताया, ये ढाल को फॉलो ही नहीं करती हैं। ठीक है, हमने क्या इसमें पढ़ा, हमने कहा ये ढाल का अनुसरण नहीं करती। ठीक है, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, यही इनकी क्या है दोस्तों, पहचान है। इसीलिए ये जो नदियां हैं बिल्कुल अलग इनकी गिनती होती है, अलग। ठीक, अलग थलग नदियां हैं, ये आप याद रखें। अगला सवाल देखिए, करा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। अब वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या है, जो वृक्ष के आकार जैसा हो। और वृक्ष कैसा होता है, देखिए वृक्ष आप ऐसे बनाते हैं बचपन में, यहां से निकाल देते हैं, यहां से डाली, इससे अगली डाली, इससे अगली डाल की, इससे अगली डाली, इससे अगली। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, बताइए ऐसे तो वृक्ष होता है, हाँ ऐसे वृक्ष होता है ना, ऐसे निकलते जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाता है, यही वृक्षाकार अपवाह रूप हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसे नदियां जो क्या है दोस्तों, जिनके ऐसे मतलब एक नदी बह रही है मुख्य नदी, उसमें धीरे धीरे छोटी छोटी हजारों नदियां आके मिल गई। हाँ, बस उसी को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। लेकिन इसका उदाहरण है कौन, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे हमारे यहाँ गंगा की बात करते हैं, गंगा में गिनती कम पड़ जाएगी इतनी। अगर आप बड़ी बड़ी छोटी, बड़ी बड़ी तो दर्जनों नदियां हैं, छोटी छोटी नदी जब आके मिलती है ना, मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। हर छोटी नदी आकर गंगा मिल जाती है। आप गंगा की बात कीजिए, आप यमुना नदी की, गंगा यमुना। ठीक है, आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो आपको गोदावरी मिलेगी, कृष्णा मिलेगी, कावेरी मिलेगी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां दोस्तों ये अपने साथ साथ हजारों नदियों को लेके चलती, छोटी बड़ी सब मिला के ना बहुत मात्रा में नदियां होती हैं। तो याद रखेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कठिन शब्द यहां पे दे दिया, अरी। बच्चा परेशान हो गया, अरी पढ़ने मजा नहीं आ रहा है, ज्वारी लिख दिया होता। ठीक है, कुछ और ऐसा, अरी थोड़ा अटपटा लग रहा है, अटपटा। मैं समझाता हूं, एक लाइन में आपको समझाता हूं। करा अरी अपवाह प्रतिरूप की नदियां हैं। अरी अपवाह प्रतिरूप की नदियां, भाई नदी के बारे में बाद में बताइएगा सर, पहले बताइए अरी माने क्या होता है। देखिए अरी मतलब मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए एक ऐसे कोई बड़ा सा पर्वत है, हाँ, और इस पर्वत से दोस्तों नदी निकल रही है। इस पर्वत से यहां क्या निकल रही दोस्तों, नदी निकल रही। एक नदी इधर चली गई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे कई नदी निकल गई। नहीं हो सकता, ऐसे खूब बड़ा सा पर्वत है और उसपे से ढेर सारी नदियां निकली, और ये नदियां एक दिशा में नहीं, कोई पूरब जा रही है, कोनो पश्चिम जा रही है, कोनो उत्तर जा रही है, कोनो दक्षिण जा रही है, कोनो दोनों के बीच में जा रही है, उत्तर पूरब चली गई, दक्षिण पूरब चली गई। हाँ, दक्षिण पूरब कहाँ होगा, हाँ दक्षिण पश्चिम चली गई ना, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, या तो उत्तर पूर्व होगा, या तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बातों का। तो इस तरह से दोस्तों मतलब हमें खाली ये जानना है कि पहाड़ से नदी निकलती है, वो अलग अलग दिशा में से बह जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को अरी अपवाह प्रतिरूप का नाम देते हैं। और इसका उदाहरण कौन कौन सी नदियां दोस्तों, तो कई सारी नदियां हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदियां निकलती हैं। इन नदी में किसका नाम आता है दोस्तों, एक तो सोन नदी का नाम आता है, एक दोस्तों महानदी का नाम आता है। ठीक है, महानदी का नाम आता है। ठीक है, ये सब अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में भाई, वो अमरनाथ नहीं अमरकंटक है भैया, अमरकंटक है। ठीक है, तो ये आ गई महानदी, हो गया सोन, हो गया। एक पूरब की तरफ बहती, कौन बहती भाई, अरे जो उधर जाती पूरब से निकलती, जो पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती। तो ताप्ती हटाइए, यहाँ नर्मदा को लिखे। ठीक है, नर्मदा हो गया। ये जो नदियां दोस्तों ये सब अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका उदाहरण हो गया, ये अरी प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा नीलगिरी, ये तो साउथ में लिख गया, सब तमिलनाडु लेके चला गया, नीलगिरी की पहाड़ियां ना, और लिख रहा पिथौरागढ़। करा नीलगिरी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं दोस्तों, तो याद रखेगा यहां से जो नदियां निकलती हैं ये वलयाकार अपवाह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। कैसा? वलय आकार, वलय के आकार जैसा। वलय माने क्या होता है? चक्राकार ना, वलय माने गोला होता है ना। इसे वलयाकार भी बोल देते हैं, इसे चक्राकार भी बोल देते हैं ना। तो इसको याद रखिएगा। कैसे बताऊं आपको? देखिए ऐसे जैसे ऐसे कोई नदी है, ऐसे ऐसे बहते हुए जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करती, फिर ऐसे गोल में, ऐसे कोई दूसरी नदी है, ऐसे ऐसे कर निकले, फिर ऐसे तीसरी है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे इस तरह से दोस्तों बहती है, इसे कहते हैं वलयाकार। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा पश्चिमी घाट से निकलकर, पश्चिमी घाट तो जानते होंगे, जिस तरह से पूर्वी घाट है उसी तरह से पश्चिमी। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? इसी को सहयाद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सहयाद्री के नाम से जानते हैं। करा पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वो पश्चिम से निकलती है, पश्चिम में ही चली जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, समानांतर अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए भारत में आपको दिखाऊं, ठीक है, ऐसे गुजरात है और इस तरह से है, तो इधर साइड में दोस्तों यही क्या है, यही आपका पश्चिमी घाट है, यही आपका पश्चिमी घाट है। और हम जिन नदियों की बात कर रहे हैं वो यहीं से निकलती हैं और यहीं ये आपका अरब सागर वाला बेल्ट हो गया। ठीक है, अरब सागर हो गया, तो यहीं से निकलती हैं और यहीं बह के चली जाती हैं। उनके लिए वही आसान होता है, पूरब की तरफ बड़ा लंबा सफर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहीं वो अपना काम समाप्त कर देती हैं। करा झील या गर्त में विसर्जित नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? कर बहुत सारी नदियां ऐसी हैं ना जो विसर्जित हो जाती हैं। विसर्जित होना, जाकर मिल जाती हैं, मिलना। ठीक है, मिलना या फिर उसे मुहाना कहते हैं। देखिए, दो शब्द होता है, एक शब्द होता है उद्गम, जहां से नदियों का उद्गम होता है, सोर्स, और एक होता है मुहाना, जहां नदियां जाकर मिल जाती हैं। तो ये नदी किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती, किसी समुद्र में नहीं मिलती, बल्कि किसी गर्त में या किसी झील में, बड़ी बड़ी झीलों में ये नदियां आकर मिल जाती हैं, वो वही उनका मुहाना होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अब देखिए, ऐसे मिलना, एक शब्द पहले मैं बड़ा परेशान था जब मैं पढ़ाता नहीं था, तो एक शब्द था अपकेंद्रीय और एक शब्द था अभिकेंद्रीय। तो मैं ना हमेशा कंफ्यूज जाता था कि किस में वाले में पास आना है, किस वाले में दूर जाना है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। फिर बड़ा सोचते समझते मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया, देसी जुगाड़। ठीक है, एक ऐसा जुगाड़ जो कभी ना भूले, कभी नहीं। ठीक है, सोते बैठते कभी आपसे सवाल कोई पुट कर देगा ना, जवाब 100% सही आएगा। बहुत सोचते समझते एक जवाब मिला, दो शब्द हैं, अपकेंद्री, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री से एक शब्द होता है अभिधन केंद्री, अपकेंद्री में अपधन केंद्री। ठीक है, तो केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। मुद्दा था कि अभी और अब का मतलब अगर समझ में आ जाए तो कहानी फिक्स हो जाए, मतलब फिर तो मिस्टेक नहीं होगा। तो हमने एक फार्मूला निकाला, हम लोग कहते हैं अभिनंदन। आइए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो जब किसी का अभिनंदन करना होता है तो भाई गले उले लगना पड़ता है, पास बुलाना पड़ता है। तो दो चीजें जब पास आती है ना तो उसी को अभिनंदन कहते हैं। अभी 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 का मतलब क्या? मिलना। तो अभिकेंद्री मतलब सारी नदी ऐसे आएगी, बीच में मिल जाएगी, अभिकेंद्री। अगर ये बाहर की तरफ जाता तो अपकेंद्री, मतलब समझ गया ना, अब मत भूलिएगा। अभी क्या कर रहा है, जब झील में आके मिलेंगी तो ऐसे बीच में झील होगा। मान लीजिए यहाँ पे झील है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी आई, ये मिल गई, यहाँ से कोई नदी आई, ये मिल गई, यहाँ से नदी आई, ये मिल गई, यहाँ से नदी आई, यही तो हुआ होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अभिकेंद्रीय। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय। और जो पीछे हमने अरी वाला पढ़ा, अरी पढ़ा था ना, पर्वत से निकलकर नदियां अलग अलग दिशा में जा रही, उसे क्या कहेंगे? दूर जाने को कहते हैं अपकेंद्रीय। क्या कहते हैं? तो मान लीजिए अरी वाला जो था, अरी, इसे हम क्या बोल सकते थे दोस्तों? इसे अपकेंद्रीय भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? मान लीजिए परीक्षा में अरी ना दे दे, अपकेंद्रीय दे दे, परेशान नहीं होना, ना 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 कहना स्टडी 91 से पढ़ के आए हैं भैया, नितिन सर की क्लास से हम लोग पढ़ के पास हुए हैं, तो हमें कोई फंसा दे, घुमा दे, हम उन चक्कर में फंसने वाले नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करबिंद की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं दोस्तों? तो खास करके जो बिंद पहाड़ियों की नदियां हैं ना, ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती। कैसा बनाती दोस्तों? आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण। और आप तो जानते हैं आयताकार मतलब क्या हो गया दोस्तों? आयत, जहां पे दो भुजाएं समान हो उसी को क्या कहते हैं? आयताकार कहते हैं। ठीक है, तो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। कहां पे? जो बिंद की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो पलामू क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। पलामू का झारखंड भैया, अरे महाराज, अगर इतनी सारी चीजें नहीं पता हुई तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, पलामू कहाँ है? झारखंड। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि हिमालयी नदियां बारहमासी क्यों होती है? बारहमासी क्या मतलब क्या है? बारहमासी का मतलब 12 माह, 12 माह का मतलब 12 महीना। इसका मतलब जो हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो 12 महीने उसमें पानी होता, सूखती नहीं है। क्यों? तो ना सूखने के 2 कारण हैं। पहला क्या दोस्तों, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है, और ग्लेशियर तो बहुत ज़्यादा है, तो जब तक ग्लेशियर पूरा पिघल के ख़त्म ना हो जाए तब तक तो इन नदियों में पानी रहेगा। और दूसरा कारण क्या है, ठीक है, वर्षा, ठीक है, वर्षा। जो उत्तर का उत्तरी भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा बहुतायत मात्रा में होता है, तो भैया पानी अगल बगल कहीं होगा, घूम फिर के नदी में जाएगा, हाँ, नदी में ही जाएगा। तो ये 2 कारण है दोस्तों जिसकी वजह से नदियाँ क्या होती हैं? 12 मासी होती हैं, मतलब हर महीने उसमें पानी होता ही होता है। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? सब मतलब एकदम पश्चिम में चले जाओ, लास्ट, पूरब में नहीं। अच्छा मान लीजिए यही पूछ देता सबसे पूर्वी नदी कौन सा है, ठीक है, ये मान लीजिए यही पूछ देता सर्वाधिक पूर्वी नदी, ठीक है, पूर्वी नदी, तो पूर्वी वो भी सबसे बड़ी में बात कीजिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? ब्रह्मपुत्र का। ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, और आप सभी को पता है कि अरुणाचल दोस्तों एकदम पूरब में, एकदम पूरब में है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह से सबसे पश्चिम में सिंधु नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी जो है ये सबसे पश्चिम में है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गए अलग अलग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही सवालों का जवाब दीजिए, सब समझ में आएगा। अच्छा, जिस क्लास की सर नितिन सर आप बात कर रहे थे, वो क्लास चलती कब है? वो क्लास चलती दोस्तों सुबह के 9 बजे, जनरली यही टाइम है, कभी कभार जो है लेट सवेर हो जाता है तो अलग बात है, वरना सुबह के 9 बजे दोस्तों आप हमारी क्लास ले सकते हैं। जीएस के लिए स्पेशल क्लास है। एक सवाल फिर आपके मन में आ जाता है, सर किस परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हैं? इतना कठिन सवाल आप पूछ दिए ना, हम इसका क्या जवाब दें? भाई ये परीक्षा के लिए नहीं, ये बेसिक है, ये आपका फाउंडेशन मजबूत कर रहा है। आप चाहे वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे सिविल एग्जाम दीजिए, ये बेसिक तो पता होना चाहिए भैया। आप किस परीक्षा के लिए क ख ग घ ए बी सी डी जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े थे, किसी परीक्षा के लिए पढ़े थे, वो आपका बेसिक था। अगर वही आपको नहीं पता है तो आप शब्द निर्माण क्या करेंगे, शब्द रचना क्या करेंगे, वाक्य निर्माण क्या करेंगे, आपको क्या पता होगा बताइए? कोई जानकारी? उसी तरह से बेसिक है, तो आप पढ़िए, तो पूरी तरह से फ्री है भाई, पैसा देना नहीं है, आराम से पढ़ना। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात भी नहीं करता, सिर्फ जो कुछ बात करता हूँ दोस्तों अपने मुद्दे पे बात करता हूँ। पढ़ाई के अलावा मेरी एक भी क्लास में आप जो है टाइम पास नहीं पाएंगे, और हर क्लास, सबसे बड़ी बात है कि हर क्लास में कुछ नया, हमने आज तक किसी टॉपिक को रिपीट नहीं किया कि आज यही पढ़ना है कल भी पढ़ना, ना। 351 दिन हो गया दोस्तों, आज 351 डेज है। हो सकता है कि आपका पहला वीडियो है, तो आप पीछे पूरी प्लेलिस्ट जाके खंगालिए और देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। अब देखिए जब सिंधु नदी की बात आती है ना, तो बच्चा हमेशा आता है तिब्बत में। कहाँ जाता है? पहले तिब्बत जाता है, फिर बताता है कि तिब्बत जो है वो चीन के कंट्रोल में है, फिर तिब्बत से होता हुआ बेचारा वो मानसरोवर आता है, मानसरोवर, क्योंकि उससे पता है दोस्तों कि मानसरोवर में झील है, ठीक है, और फिर उसका जवाब होता है कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती, ठीक है। लेकिन सवाल थोड़ा यहां से अलग है, कभी कभी एग्जामिनर खतरनाक सवाल देता है, कभी कभी पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम ये किस पर्वत श्रेणी से हुआ है। क्या पूछता है? किस पर्वत श्रेणी से। अब देखिए एग्जामिनर के पूछने का तरीका है, वो झील नहीं पूछा, वो पर्वत श्रेणी पूछ। जैसे कोई आपसे कहे आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने कहा सर आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। कहा नहीं, भारत में किस राज्य से? आपने कहा सर मैं राजस्थान से, मैं उत्तर प्रदेश में, बिहार से हूँ। उसके अंदर आपसे पूछ दिया भैया आप राजस्थान में, सर मैं जयपुर से हूँ, सर मैं लखनऊ से हूँ, सर मैं पटना से हूँ। अब फिर पूछ दिया सामने वाले ने, सर आप उसके मतलब उस शहर के अंदर कहाँ से? फिर आपने अगला जवाब दिया, सर मैं मानसरोवर से हूँ, सर मैं लखनऊ के आलमबाग चारबाग से हूँ, सर मैं पटना से हूँ, या पटना सिटी में मुझे तो जानकारी नहीं है उतना, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह से ये ठीक है कि आपने तिब्बत कहा, ये भी ठीक है कि आपने मानसरोवर कहा, लेकिन जब पर्वत श्रेणी की बात आएगी तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा दोस्तों कैलाश श्रेणी, ठीक है, याद रखें। किस श्रेणी से दोस्तों? कैलाश श्रेणी से इस सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये पहली बात याद रखेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहीं पे सवाल पूछ दिया, मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि किस हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। हिमनद माने जानते हैं ग्लेशियर, हिमनद मीन्स क्या हो जाता है ग्लेशियर, ठीक है, हिमनद मीन्स क्या हो जाता है ग्लेशियर। किस ग्लेशियर से इसका उद्गम है तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब बताएगा बोखरचू, क्या बताएंगे बोखरचू। सर हमने तो कभी बोखरचू के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने नहीं बोखरचू, आपने बोखरचू पढ़ा होगा। अगर बोखरचू शब्द नहीं पढ़ा होगा तो पता क्या पढ़ा होगा, तब एक जलधारा के बारे में आप पढ़ेंगे, सिनकाबाब। क्या नाम है दोस्तों, एक जलधारा है उसका नाम है सिनकाबाब, सिनकाबाब, ठीक है। इतना सारा उत्तर है ये, सर आज जाके समझ में आया कि एग्जामिनर अगर फंसाना चाहे ना हमें ऐसा चुटकी में फंसा देगा। हम मानसरोवर पढ़ के निकले, हाँ? हम मानसरोवर, हमें पता ही नहीं था कि इतने सारे इसके जवाब हो। आप जानिए भैया, आप नितिन सर की आप सीखिए बस खाली। कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप हमेशा अपनी तारीफ में लगे रहते हैं, क्यों ना करूं तारीफ, भाई मेहनत भी करूं और आप तो करने से रहे तारीफ, तो हम तो अपनी तारीफ करेंगे ना। करा सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती, कहां से एंट्री होती है उसके, टन टन टन, एंट्री कहां से होती है। तो अब देखिए राज्य पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है। तो राज्य पूछेगा तो आप बताएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां से एंट्री होती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से सिंधु नदी की दोस्तों एंट्री होती है। तो आपका पहला जवाब हो गया। हो सकता है ये ना पूछ करके एग्जामिनर कुछ और जानना चाहे, ठीक है, ये नहीं, नहीं 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 भाई हम ब्रह्मपुत्रा पे आ गए, दिमाग में ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, ठीक है, दिमाग में क्या आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंट्री करती है दोस्तों, अरुणाचल से एंट्री करती है। ये इसकी बात नहीं, सिंधु नदी की बात कर रहा, ओहो। सिंधु नदी दोस्तों एंट्री करती लेह से, कहां से एंट्री करती है दोस्तों, लेह का नाम सुने ना, लेह, तो लेह से एंट्री करती है। अब हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि भैया लेह के अंदर दोस्तों कहां से एंट्री करती है, तो लेह के भीतर दोस्तों एक जगह है दमचोक, कौन सा जगह दोस्तों, दमचोक, ठीक है। यह दमचोक से जो है भारत में एंट्री करती, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे इंडस के नाम से भी जाना जाता है ना, सिंधु, इसी के किनारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, वो सब भी याद रखेंगे। अगला सवाल करा सिंधु नदी में दाहिने तरफ से कौन सी नदी जो है बहती है, मिलती है आके, ठीक है, मिलती है बताया है। देखिए सिंधु नदी जैसे भारत, मान लीजिए ऐसा भारत है, ठीक है, ये भारत का मुकुट है, ठीक है, ऐसे है भारत, ठीक है। सिंधु नदी ऐसे निकलती है और ऐसे जाती, ठीक है। तो इसके दाहिने तरफ जब कोई नदी आगे बढ़ेगी ना तो इसका बाएं हाथ इधर होगा, दाहिना ऊपर साइड होगा। तो जो दाहिना तरफ है यानी इसके ऊपर वाले साइड से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, देखिए यहाँ कई सारी नदियां, जिसमें एक कौन सी नदी दोस्तों, काबुल नदी। काबुल नदी दोस्तों, काबुल तो राजधानी है अफगानिस्तान की, उसको याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा दोस्तों कुर्रम, ठीक है, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कुर्रम का नाम सुने होंगे। आप जो है तोची नदी का नाम सुने होंगे, सर नहीं सुना तोची, हाँ तो कुर्रम काबुल सुने होंगे, तोची सुन लीजिए। आपने गोमल सुना होगा, गोमल, ठीक है, गोमल नदी, ये सब दोस्तों दाहिने साइड से मिलने वाली नदियां हैं, याद रखेंगे। एक और लिखेगा संगर नदी, कौन सी, संगर नदी, ठीक है, ये सब सिंधु नदी में दाहिने साइड से मिलती है। और जिनसे आपका जान पहचान है ना वो बाएं साइड वाली नदियां हैं, जिनको जिनको आप जानते हैं, ठीक है, वो सब बाएं में है। लिख रहा है कि सिंधु नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो आपने झेलम पढ़ा, आपने चिनाब पढ़ा, आप जितना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब, अच्छा वो बाद में छोड़िए, अभी तो सिंधु की बात करा ना। ये सब आपस में मिलने के बाद मिठानकोट में आके मिलेंगी। आपने पंचनद के बारे में सुना होगा, पंचनद, इस पंचनद में किसका किसका नाम आता है, इस पंचनद में झेलम का नाम आता है, इसमें चिनाब का नाम आता है, इसमें सतलज का नाम आता है, इसमें रावी का नाम आता है, इसमें व्यास का नाम आता है। ये सारी नदियां मिलकर ना मिठानकोट पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं, मिठानकोट। ये मिठानकोट दोस्तों कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां आकर ये नदियां दोस्तों सिंधु से मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ये सिंधु से मिलती हैं, इसलिए हो सकता है इस सवाल का जवाब सही ना हो, ये इसका नाम मत लीजिएगा। बाएं से मिलने वाली नदियों में दोस्तों खास करके जास्कर, सर जास्कर नदी, हमने तो सोचा था जास्कर खाली श्रेणी है, नहीं जास्कर नदी है। सिगार, सर वो सिगरेट सिगार वाला, हाँ उसी से याद रखिए सिगार। और फिर अंतिम में हम यहाँ सीधे सीधे बोल देंगे पंचनद। क्यों, पंचनद में पांचों नदियां आपस में मिलने के बाद अंतिम में मिठानकोट पहुंचने के बाद तब जाके सिंधु में मिलती है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बाई तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। आगे दे रहा है कि जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति, करा इसको उत्तर से दक्षिण में दोस्तों आपको सही क्रम में लगाना है। सबसे उत्तर में दोस्तों कौन सी नदी है, तो सबसे उत्तर में दोस्तों श्योक नदी पड़ता है। ठीक है, सबसे अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण का क्रम हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे ऊपरी हिस्से में दोस्तों आपको श्योक मिलेगा। श्योक के बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जास्कर श्रेणी मिलेगी। जास्कर के बाद दोस्तों आपको सतलज मिलेगा और सतलज के बाद जाकर लाहौल स्पीति वाले मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका एक क्रम है। या आप लेकिन सतलज तो हिमाचल में आ जाएगा ना और लाहौल स्पीति ऊपर आ जाएगा। हिमाचल में भी पड़ेगा लेकिन सतलज और पंजाब साइड भी आ जाए। ठीक है, तो स्पीति को आप पहले कर लीजिए और सतलज बाद में। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। ठीक है, इसको स्टार लगा दे रहा हूं, ट्रिपल स्टार, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जहां मुझे डाउट होता है वहां मैं एक बार आपको हिंट कर देता हूं, प्लीज आप इसे निवेदन आप सभी इसको चेक कर लीजिएगा। स्पीति और इस सतलज में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। ठीक है, कि कौन सा उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में आया, क्योंकि दोनों हिमाचल प्रदेश वाले हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको। अगले सवाल पर आइए, करा पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहां संगम बनाती है दोस्तों, तो एक जगह है जो मैंने आपको पीछे बताया, उस जगह का नाम है मिठानकोट। क्या नाम है, मिठानकोट। और ये जो जगह है दोस्तों ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों जाकर ये जो है, और बाद में सिंधु नदी ना कराची के पास जाकर दोस्तों अरब सागर में मिल जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल और बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा है कि पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है। बताया तो आपको पंचनद में, लिखिए लाइन, एक एक चीज लिखिए। झेलम लिखिए, झेलम के बाद चिनाब लिखिए, चिनाब के बाद रावी लिखिए, रावी के बाद व्यास लिखिए, व्यास के बाद सतलज लिखिए। ठीक है, सतलज। ठीक है, ये 5 नदी हो गया, इसी को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब है। पंजाब ना, 5 नदी का क्षेत्र, इसलिए पंजाब कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि लेह, लेह ले जो स्थान है करा सिंधु नदी के किस तट पर दोस्तों स्थित है, ये आपको बताना है। अभी आपने पढ़ा कि सिंधु नदी जो है वो लेह से ही दोस्तों एंट्री करती है और लेह जो है स्थान है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, दाहिने तट पर। बच्चा सोचता है ना, देखिए ऐसे अगर सिंधु जा रही ना तो दायां तट ये वाला होगा, ये वाला तट। ठीक है, ये देखिए सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो दायां तट ऊपर साइड होगा, बायां तट नीचे होगा। जिन्हें नहीं पता ना सोचता है कि यार सिंधु तो एकदम पश्चिम में है तो लेह अंदर साइड होगा, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और जिसने जैसा सोचा, कहानी खत्म। तो यहाँ थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगला सवाल करा सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है। देखिए सिंधु नदी जल समझौता जो था, सवाल ये आता है पहले बताइए समझौता कब हुआ था। ठीक है, ये समझौता हुआ था दोस्तों 19 सितंबर को और तिथि क्या थी दोस्तों 19 सितंबर और सन था 1960। किसके किसके बीच में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू लिख दूं क्या, ठीक है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू याद रखेगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू एंड, ठीक है, अयूब खान दोस्तों उस समय, अच्छा जवाहरलाल नेहरू याद रखेगा पीएम थे, जबकि अयूब खान जो नाम है ये दोस्तों राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो एक देश का राष्ट्रपति और दूसरे देश का प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1960 में, और उस समझौते के अनुसार नियम ये था कि हम सिंधु नदी के जल का केवल और केवल 20% इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। केवल कितना परसेंट, केवल 20% दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों पहली जो संधि हुई थी उस संधि के दौरान ये बातें आई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, उसी तरह से जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, तो याद रखेगा चिनाब नदी। कौन सी नदी दोस्तों, चिनाब नदी जो है ये है। चिनाब को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो चिनाब को इतिहास में अस्किनी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं चिनाब को, अस्किनी बुलाते हैं। सतलज को सतुद्री बुलाते हैं, व्यास को विपाशा बुलाते हैं, झेलम को वितस्ता बुलाते हैं। ये सब नाम याद रखेंगे, इनके वैदिक नाम है नदियों के। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि झेलम नदी जो है दोस्तों, इस झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पे है। अभी तुमने चिनाब की बात किया, चिनाब सबसे बड़ी नदी है, लेकिन झेलम नदी दोस्तों कहां से निकलती है, तो याद रखेगा ये निकलती है वेरीनाग के निकट, वेरीनाग के निकट निकट शेषनाग झील से। ठीक है, देखिए झील का नाम क्या है, शेषनाग है, और जगह का नाम क्या है, वेरीनाग है। ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा, झेलम नदी कहां से निकलती है? झ से झेलम नदी, और निकलती है शेषनाग झील से। ठीक है, तो शेषनाग अगर गुस्सा आ जाए तो सबको झेला देंगे, इस तरह से आप याद रखिएगा। झेलम नदी कहां से निकलती है? अच्छा, झेलम का पुराना नाम क्या दोस्तों? इसे वितस्ता कहा जाता था। ठीक है, वितस्ता नदी। ठीक है, वितस्ता, या फिर इसी को इंग्लिश में हाइडेस्पीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाइडेस्पीज। ठीक है, इसी नदी के किनारे दोस्तों सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, उसे हम हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो झेलम के किनारे ये सवाल आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा वुलर झील। वुलर झील कहां पड़ता है भैया? वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर दोस्तों? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की झील है। या क्या है दोस्तों? मीठे पानी की झील है दोस्तों, डल झील है वुलर झील। कह रहा वुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती, वहीं से होकर निकलती दोस्तों? तो जो झेलम है ये उसी के पास से निकलती। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा वहीं से होकर प्रवाहित होती है, वुलर झील से होकर, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? श्रीनगर दोस्तों, जिसे हम जम्मू कश्मीर का स्वर्ग भी कहते हैं, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? तो वैसे भी श्रीनगर दोस्तों बहुत झेला हुआ है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा, यह झेलम नदी के तट पर दोस्तों बसा हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा मंगला डैम, हो सकता है आप न सुने हो मंगला डैम के बारे में। अगला सवाल सुनिए, मंगला डैम का निर्माण यह किस नदी पर हुआ है? आपको केवल उस नदी का नाम बता देना दोस्तों, याद रखिएगा झेलम नदी पर ही। ठीक है, किस नदी पर दोस्तों? मंगला डैम कहां बना हुआ है? यह झेलम नदी पर बना हुआ है मंगला डैम। आपके लिए नया सवाल है। ठीक है, मैं ऐसे ही नए नए सवाल ढूंढ के देता रहता हूं आपको। आगे बढ़िए, करा तुलबुल और उरी परियोजना। ये दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तुलबुल और उरी। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और ये किस नदी पर दोस्तों चलाई जा रही? तो तुलबुल और उरी ये दोनों परियोजना झेलम नदी पर चलती है। ठीक है, किस नदी पर बनी हुई है? तुलबुल और उरी ये झेलम नदी पर बनी हुई दोस्तों परियोजनाएं हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर। सवाल समाप्त, इसका मतलब 30 सवाल कंप्लीट हुआ। ज़्यादा नहीं, मैं 30 सवाल ही लेके आता हूँ। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी पहले पढ़ाया आपको डिटेल में, ऑन क्लास ऐसे स्क्रीन पर बढ़िया से पढ़ाया हूँ फ्री में पूरी तरह से। उसका नोट्स हैं, आप चाहें तो हमारी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर निःशुल्क, ये उस क्लास का नोट्स है दोस्तों। आप इस नोट्स के माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी जो क्लास चल रही है तो बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने स्टार्ट किया, और 351 क्लास अब तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देखिए, सीरीज से जुड़ी, मजा बहुत आएगा आपको। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, ये तीन चीज़ आप हमारे लिए रिजर्व रखिए। हमें कहना ना पड़े, याद ना दिलाना पड़े। रोज़ रोज़ अगर मैं याद दिलाऊंगा इतनी छोटी सी बात, वो भी हाथ जोड़कर, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मैं रोज़ कहने को तैयार हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।